और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में कांग्रेस पार्टी की बड़ी संख्या में जो है लोग आ रहे हैं और वो आते ही यहां पर सुकून महसूस करते हैं। राजनीतिक दृष्टि से काम करने के लिए एक सकारात्मक तरीके से कार्य करने की प्रणाली सभी को आकर्षित करती है। उन्होंने कहा कि उनके ध्यान में आया है कि कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ ने गूंड समाज के बड़े नेता और राज परिवार के सदस्य कमलेश शाह को गद्दार और बिकाऊ कहा है, इसे किसी दृष्टि में उचित नहीं मानता। भाजपा के अंदर परिवार में कांग्रेस की बड़ी संख्या में लोग आकर के अपने आप को सुकून पाते हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस और खासकर इनके बड़े नेता अब इनने अपने परिवार में कांग्रेस को बंद कर लिया। उनकी पत्नी, उनके बेटे, वो ही नेता बनना चाहिए। आम समाज का कोई व्यक्ति नेता नहीं बनना चाहिए। कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ, जो छिंदवाड़ा के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हमारे गौंड समाज के बड़े अच्छे, अभी तक कांग्रेस में थे तो बहुत अच्छे थे, जिनकी तीन पीढ़ियों से विधायक रहे हैं और गौंड राज परिवार के सदस्य हैं। कमलेश शाह जी जो हमारे अपने परिवार में सम्मिलित हुए, अब उनको गद्दार कहना, बिकाऊ कहना, ये गालियां बकना, ये किसी दृष्टि से मैं तो उचित नहीं मानता। नकुलनाथ जी को, आदिवासी समाज के ऐसे नेता को गाली बकना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे उनको क्षमा मांगना चाहिए, पूरे समाज से क्षमा मांगना चाहिए, जैसे मैंने कहा है। वैसे तो आदिवासी लोग भोले भाले होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, दुश्मनी एक दूसरे से नहीं रखते, गद्दार नहीं होते, बिकाऊ नहीं होते। लेकिन आप ही के चुने विधायक गद्दार भी निकले और बिकाऊ भी निकले। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उन्हें माफ करेंगे? क्या आप उन्हें कभी माफ करेंगे? आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर इस गांव ने एक तरफा वोट दिया तो मैं मान लूंगा कि आपने